हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल एडू मैथ्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक्स फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा, ठीक है ना। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, इसके बारे में ना हम लोग पूरा फुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। जैसे पढ़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है तो पढ़ते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है सर। लेकिन इसका फॉर्मूला रियल में क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आया कैसे, इसी को हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारा फॉर्मूला होता है, इसके बारे में हम लोग पूरा अच्छा से सीखेंगे। जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको पूरा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और ये आया तो कैसे आया, इसी को सीखेंगे, ठीक है। तो जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया है तो कैसे आया, इसको पूरा अच्छा से सीखेंगे कैसे। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि ये है मेरा ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या करना है, इसको बस मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको इसको करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा ए को ऐसे करेंगे ए स्क्वायर, फिर इसको करेंगे इससे, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस तो ए बी, फिर क्या करेंगे प्लस, इसको करेंगे इससे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए बी, फिर इसको करेंगे इससे प्लस का बी स्क्वायर। ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसी का उल्टा जो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर में एकदम इजी सा है। देखिए, ध्यान दीजिए, बस बहुत हल्का है, बहुत हल्का, बहुत ज़्यादा हल्का। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे बस प्लस के जगह पे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे, प्लस के जगह पे माइनस। अब क्या करना है, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कैसे करना है, अब इसको हम सिखाते हैं बायोनोमियल मेथड से, ठीक है। बायोनोमियल मेथड जो कि क्लास एट्स में पढ़ना है और क्लास सेवन्थ में भी पढ़ना है। बायोनोमियल मेथड क्या होता है, इसको पूरा ले लेंगे ए और फिर ये वाला पूरा, ये पूरा, तो इसको ले लेते हैं ए माइनस बी। फिर क्या करेंगे, ये माइनस का बी है तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस का बी, और फिर से इसको ले लेते हैं ए माइनस बी। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे ए स्क्वायर, फिर इसको इससे प्लस माइनस माइनस ए बी। ये क्या है, प्लस माइनस माइनस ए बी, ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर आ गया हम लोग का, क्या ए स्क्वायर वन ए बी, वन ए बी माइनस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। हम लोग को क्या करना है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लिखना। इसका फॉर्मूला होता है एकदम सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कौन सा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको क्या करेंगे, इसको हमको इसके बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इसको करेंगे इससे, क्या करेंगे, अब उसके लिए बायनोमियल मेथड भी लगा देते हैं, सही रहेगा। ये वाला ए माइनस बी प्लस का डी, फिर ए वाला ए माइनस बी। अब क्या करना है, इसको गुना कर देते हैं इसको इससे, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो क्या होगा माइनस ए बी। ये क्या होगा, माइनस प्लस क्या, माइनस प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है ए बी। ये क्या प्लस माइनस, माइनस क्या होगा बी स्क्वायर। अब क्या है कि यहाँ पे देखिए एक प्लस है एक माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया प्रूफ, ठीक है। कितना ईजी है, ठीक है ना। ऐसा ही आपको और सा भी फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस
ए बी। अब वो कैसे होगा, देखिए इसका तोड़ लेते हैं क्या होगा, अभी सीखा है क्या, ए स्क्वायर प्लस का टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। अब ये कट जाएगा, बचेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको एक और तरीका से प्रूव करते हैं, एक और तरीका कौन सा तरीका है, देखिए वो है मेरा, वो है एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, एकदम इजी सा फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का टू ए बी, ठीक है। अब क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ये क्या है प्लस का टू ए बी। अब ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट सेकेंड टाइम लेकर आएंगे, ये बहुत इजी था, बहुत हल्का था, इसलिए इसको अच्छा से देखिएगा, दो से तीन बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगली बार ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसके ऊपर बात करेंगे कि हाँ वो फॉर्मूला कैसे है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।